वो किसी के चंगुल में ना आए, ना अपने धन राशि खराब करें जो उनके माता पिता ने कमाई है, उसको अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि अब वो दिन चले गए हैं, अब योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, और किसी माफिया के किसी नकल गिरोह के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, मेहनत करें इस उसमें। अगर वो मेहनत नहीं कर सकते तो कोई और बिजनेस अपना लें, कोई जरूरी नहीं है हरियाणा सरकार में नौकरी ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। जब वो इतने पैसे खर्च रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उस पैसे को कहीं और बिजनेस में लगा लें, और प्लीज वो योग्य व्यक्ति जिनका हक है, असल में जो मेहनत कर रहे हैं योग्य है, उनको हरियाणा की नौकरियों में प्रवेश करने दें, ताकि हरियाणा में कर्मचारी भी अच्छी सुचिता वाले आए, ईमानदार लोग आए, योग्य व्यक्ति आए। अगर ऐसी मानसिकता के, जैसे मैंने कहा 125 लोग हरियाणा पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, तो ऐसी मानसिकता के लोग अपनी सर्विस के दौरान क्या क्या काम करेंगे, इसका समाज और मीडिया सहज रूप से अंदाजा लगा।